कैसे 23 मार्च 2019 से, और आज एक ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी लेके आया था, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसमें एक कंटिन्यूस वीकनेस देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि ये हर लेवल को अभी तोड़ते हुए नीचे की ओर जा रहा है। वॉल्यूम भी देखेंगे तो अच्छा खासा 17 लाख 15 लाख, एवरेज 5 दिन का 9 लाख 61 हज़ार, 10 दिन का 7 लाख 77 हज़ार हो रहा है। अच्छे खासा वैल्यू वॉल्यूम के साथ ही नीचे की ओर जा रहा है। बाइंग सेंटीमेंट मारुति में है, यहाँ पे 70% बाइंग है। और अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 4.65 पे आपको मिल रहा है। अभी कैश वैल्यू 5 रुपये का, डिलीवरी देखिए डिलीवरी परसेंटेज इसका 45, 46, 42% मीन्स डिलीवरी हाई हो रहा है और उसके बाद भी ये रेट प्राइस तोड़ रहा है। अगर मैं इसकी फाइनेंशियल की बात करूँ तो अप टू डेट की बात करूँ तो ऑलरेडी ये जो 79 करोड़ लास्ट ईयर का दिया था, 79 हज़ार करोड़, उसके कहीं ज़्यादा ये क्रॉस करते हुए 85 हज़ार करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और जो 12 हज़ार का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, वही 11,729 की प्रॉफिट बुक कर चुका है। प्रॉफिट में अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो 14% खराब नहीं है। और अगर मैं इसको क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर था और एक्सपेंसेस में कॉस्टिंग बढ़ रही थी उसकी मटेरियल कॉस्ट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट 71% बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण थोड़ी सी इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है घट गया है 10%। लेकिन आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 30% की जगह 28% है, वो खास खराब नहीं है। तो मारुति सुजुकी जहाँ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, सेल्स ग्रोथ 17%, डिविडेंड भी देती है 1.22% का, डेब्ट 0 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.74 के आसपास है। कहीं कुछ भी देखें प्राइस टू कैश फ्लो जो देखेंगे आप 16 थोड़ा सा ये आपको कॉस्टली दिख रहा है, बट ऐसी कंपनी है तो आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको पियर से कंपेयर करें, महिंद्रा महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर से कंपेयर करें, तो ये अगर 26 का पी है तो ये 14 का महिंद्रा महिंद्रा पी दे रहा है। तो क्या करना चाहिए मारुति पे, क्या आपको लग रहा है कि मारुति में बेच के निकलना चाहिए? मारुति जैसी कंपनी में कभी भी बेच के नहीं निकलना चाहिए। इसको लोअर डिप जितने डिप पे आपको मिले उसको बाई करना चाहिए। आपको ये जो दिखा रहा हो सकता है कि कभी हिस्ट्री में फिर से नहीं दिखाई। ये ऑलरेडी 6,317 का लो बनाया है, आप इस पे वाच रखिए, हो सकता है ये 5,846 तक 5,800 तक जा सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं से पोजिशन बनाना है, पोजिशन बना के रखिए, अच्छा रहेगा ये फ्यूचर के लिए। मैं ऐसी दिग्गज कंपनी को जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्केटिंग कुछ भी खराब नहीं हो जिसका, तो सिर्फ उसको बेच के रखना अच्छी नहीं है। सेल्स ग्रोथ 17% का है, उसके बाद आपको डेप्ट 0 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,000 करोड़ का है, EPS इसका 251 है, प्राइस टू बुक वैल्यू फ्री में 4.4 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सस्ता मिल रहा है आपको। लेकिन आप कहीं ना कहीं चार्ट में देखेंगे तो एक आपको वीकनेस की जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये कंटिन्यू अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लिया था तो वीकली चार्ट पे देखिए बहुत बड़ा हेमट है, फॉल बना रहा है ये, और 3 बार जा करके ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो अब तो आइदर या तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल जाएगा, और अगर ये अपने पुराने 700-700 को तोड़ता है तो ऊपर की ओर आपको, अगर ये अगर मान लीजिए ये अपने 6586 को तोड़ता है, सॉरी ऑलरेडी वहीं पे है ये, तो अगर ये 7332 को तोड़ता है तो 8256 की ओर जाएगा, जो कि इसका 38.38 रिट्रेसमेंट लेवल पे है। तोड़ता है तो ये फिर आपको अपने फॉल का 23% की ओर जाते हुए दिखेगा, ये आपको यू कहो। तो अगर मैं इसको रिवर्स करके देखने की कोशिश करूं तो वापस ये 78.6 मतलब कि 83 ने अभी 7332 को टेस्ट करेगा, और वहां से अगर 60.61 को क्रॉस करता है तो 8395 की ओर जाएगा। तो 7332 पे ये जाता है, यहाँ पे इस लेवल पे आता है 7332, ये लेवल है 7332, यहाँ पे जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ से टच करके नीचे की ओर जाता है, और अगर ये क्रॉस करता है तो 7900 की ओर जाकर के इसको वीकनेस दिखता है, यहाँ पे 7600-7700 पे आकर के रिवर्स कर जाता है और ये ट्रिपल बॉटम यहाँ फॉर्म कर रहा है। तो अब दो ही संभावना है, या तो यहाँ से ये ऊपर की ओर लेगा या नीचे की ओर लेगा। अगर ये नीचे की ओर लेता, जो कि लेना नहीं दिख रहा है कि लेगा ही लेगा, 6586 जो 50% रिट्रेसमेंट है इसके
अगर मैंने यहाँ से गेंद पकड़ा है जो कि ये 4/4/2016 से जो था उसका अब जो लिया था उसको पकड़ा था, तो ये जस्ट अपने फॉल के 50% फॉल पे अभी खड़ा है 6586 के लेवल के आसपास। अगर ये किसी भी तरह 6400 को तोड़ता है वापस, तो एक बार तो 6317 का सपोर्ट जो लास्ट टाइम है उसको फॉलो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो फॉल दिख रहा है वो हैवी फॉल दिख रहा है और वो 5840 तक जा सकता है आपको। अगर 5840 तोड़ता है तो 4917 तक, इस लेवल तक जाकर के रुकने की क्षमता रखता है ये। तो इस बार जो फॉल होगा ऑटो सेक्टर में, अगर कोई इसको ग्रोथ अभी नहीं मिल रही क्योंकि ऐसे भी सेल रेवेन्यू में मारुति में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे की ओर इसको 5840 और 4917 की ओर जाते हुए देख सकते हैं। एनएससी का साइड ब्लॉक है और आप वहाँ पे डेरिवेटिव पोजीशन नहीं देख पा रहे हैं, मैंने वहाँ पे 2-3 बार ट्राई किया पर वो ओपन नहीं हो रहा है, इसके कारण मैं आपको एनएससी का आपको वो साइट नहीं दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो में भी दिखा देता है कि कहाँ पे जनरेट हो रहा है, जो कि पुट की ओर जा रहा है, मैक्सिमम पुट की ओर पोजीशन बन रहा है। तो मारुति में एक वीकनेस का सिग्नल है और कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिख रही है। अगर मैं आपको जाकर के यहाँ पे डेली बेस्ट पे दिखाऊँ, ये देखिए डेली बेस्ट पे देखिए आप, तो डेली बेस्ट पे ये एक देखिए ये फॉल कैटर्न का हैंग बना हुआ है, इंडिसेसिव फॉल फॉलिंग स्टार टाइप का बना हुआ है, ये फॉल कर रहा है, लेकिन इस फॉल में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है, ये रेड 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 बन रहा है और एवरेज से ज़्यादा बन रहा है। और यह हिस्टोग्राम भी देखिए तो रेड का फॉल कर रहा है यहाँ पे नीचे की ओर, हिस्टोग्राम भी बन रहा है। अब ये भी देखिए तो ये देखिए नीचे की ओर बनना चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल है जिसको तोड़ने की कोशिश करेगा और ये थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर रहा है। और हर बार जब देखेंगे तो ऐसा पॉइंट नहीं बनाता, ये अपवर्ड पॉइंट की, तो ये देखिए यहाँ पे जब बना था ये बना था ऊपर की ओर बना था, ये अपसाइड बना था तो यहाँ से फिर ऊपर ले लिया था, लेकिन इस बार चांसेस कम है ऊपर लेने का क्योंकि वॉल्यूम बेस को सेल कर रहा है इसको, इसने जिसने भी सेल कर रहा है वॉल्यूम के साथ इसको सेल करके निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इस बार जो फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जो स्टॉप लेगा इस बार, अभी जो आपका चल रहा है यहाँ पे प्राइस चल रहा है, अगर मैं करंट मार्केट प्राइस कहूँ तो 6552 चल रहा है। तो ये अब जो स्टॉप लेने की कोशिश करेगा 6552 के बाद, जो यहाँ पे है अभी ऑलरेडी यहाँ पे है 6552 के आसपास दिख रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये इस लेवल पे जाकर के कोशिश करेगा, जो कि आपका 5 नहीं है, एक मिनट भी इसको यहाँ से अगर फॉल करता है तो ये यहाँ पे जाके सर 6200 के आसपास ही आ रहा है, जो पिछले बार 6300 लिया था, तो इस लेवल पे कहीं 6300-6200 के आसपास सपोर्ट लेगा, जो लास्ट टाइम आप देखेंगे यहाँ पे 6317 का सपोर्ट लिया था। मुझे चांस है कि वो भी टूट जाएगा आपको, और वो भी टूटते हुए आपको ये 6300 का टूटते हुए ये आपको 5840 की ओर जाते हुए दिखेगा, जो यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट 0.382 दिख रहा है, और उसके बाद 4900 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये यहाँ पे आके लेते हुए सपोर्ट लेते हुए आपको 4832, आप यहाँ पे भी देखेंगे ये जो सपोर्ट लेवल है 4832 का आ रहा है, और यहाँ पे भी जो 38% आ रहा है 23% आ रहा है 4917। तो कहीं ना कहीं मारुति 4900 माने 5000 की ओर जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो मारुति अगर नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ से फॉल करती है, एक दूसरी तरफ ये है कि यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया है, क्योंकि इसके बाद जो फॉल था जिस तरह से ये पैटर्न उठा तो यहाँ से था, और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था और यहाँ से उठ के ऊपर की ओर गया था। तो कहीं ना कहीं जब ये फॉल करेगा तो इसी लेवल पे आके रुकेगा, जो कि 4856 के आसपास आ रहा है, 4805 के आसपास आ रहा है। तो ये आपको एक बार कॉशियसली चेक करना पड़ेगा कि ये अगर रुकता है, और आपको अगर मैं ये मंथली भी दिखा दूँ, मंथली दिखा रहा था, तो आप देखिए कैसे ये पैटर्न बन रहा है आपको अच्छा खासा, ये पोजीशन को देखिएगा तो अच्छा खासा यहाँ पे हैमर पैटर्न है, लोअर एवर बहुत सॉलिड लोअर वॉल्यूम के साथ है। मैं वीकली में भी अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिएगा ये फॉल की बार 3 बार बना चुका, और यहाँ पे जो फॉल बना है पूरे बॉडी इसमें है, ये देखिए पूरे बॉडी एकदम जो रेड है, ये वॉल्यूम के साथ
कहीं स्पाइक ऊपर नहीं है, नीचे स्ट्राइक नहीं है, जैसा हर जगह हुआ करता है। वॉल्यूम के साथ कोई सेल करके इसको निकलना चाह रहा है, तो हो सकता है कि कमिंग डेज में आपको मारुति 5000 की ओर आते हुए दिखेगा, तो इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है। पहला जो ये रुकेगा लेवल, जो इसको रुकना चाहिए 5840 के आसपास रुकना चाहिए, और वहाँ से 49 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। ये मेरा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से व्यू था, मेरा ओपिनियन था। आपको कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन या सेलिंग रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप स्टडी करें, एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, अपने रिस्क गेन को एनालिसिस करें और फिर मार्केट में पोजीशन बने। वीडियो देखने के लिए